करेंगे एक नई वेब सीरीज के बारे में जिसका ट्रेलर आ चुका है, जिसका नाम है कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला। तो ये ट्रेलर कैसा लगा मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, और इस ट्रेलर में ऐसा क्या कुछ खास देखने को मिला तो सब कुछ हम लोग बात करेंगे। तो यार इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना, और आपको ये वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करो, जो कुछ रेड बटन उसे क्लिक कर देना, और उसके बाद में जो घंटे का बटन है उसे भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं रोज वीडियो डालता हूं और आप लोगों को सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो इस वेब सीरीज हमें नजर आएगी राजीव खंडेलवाल और दिव्यंका त्रिपाठी। दिव्यंका त्रिपाठी वेब सीरीज में अपना डेब्यू करने जा रही, वही इसे डायरेक्ट किया है प्रदीप सरकार ने। प्रदीप सरकार ने यूं तो काफी बॉलीवुड फिल्में बनाई है, अब देखना कि वेब सीरीज उन्होंने किस तरीके से बनाई। तो ट्रेलर देखकर जो मुझे समझ में आता वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि ट्रेलर देखकर इतना समझ में आता है कि इसकी कहानी कुछ यूं होने वाली है कि राजीव खंडेलवाल इसमें रोल प्ले करे विक्रम का, और दिव्यंका त्रिपाठी इसमें रोल प्ले करे नित्य का। दोनों ही की मुलाकात भोपाल में होती है कॉलेज में, जब वो कुकिंग क्लास ज्वाइन करते हैं उसके बाद दोनों के बीच में प्यार होता है, प्यार होने के बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या तो फिर शायद राजीव खंडेलवाल उनको किसी वजह से चीट करते होंगे। तो ये सब कुछ उनका पास्ट में होता है, पास्ट में होने के बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद अब फाइनली 8 साल के बाद राजीव खंडेलवाल एक काफी फेमस सेलिब्रिटी शेफ बन चुके हैं, और दिव्यंका त्रिपाठी भी बहुत ही बेहतरीन शेफ है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कभी कॉन्टेक्ट नहीं करते या कभी एक दूसरे को 8 साल में देखे तक नहीं है। लेकिन फाइनली कोइंसिडेंस होता है, राजीव खंडेलवाल उसी रेस्टोरेंट खरीदते हैं जो रेस्टोरेंट में ऑलरेडी दिव्यंका त्रिपाठी जॉब करे थे एज अ शेफ। तो उसके बाद क्या कुछ होता है ये हमें इस वेब सीरीज में बताएगा। उसके अलावा जो उन दोनों की जो दूसरे को मिले थे, जो उनके एक दूसरे के बीच में जो प्यार हुआ था, तो वो प्यार में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी वो सब कुछ भी जानने को मिलेगा। साथ साथ जब 8 साल के बाद जब एक ही रेस्टोरेंट में आप दोनों को मिलकर साथ में काम करना है, तो वो काम करते करते क्या नोकझोंक होती है और क्या कुछ हमें अलग देखने को मिलेगा, ये सब कुछ सवालों के जवाब हमें इस वेब सीरीज में मिलेगी। तो इस वेब सीरीज का ट्रेलर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, अच्छा इस वजह से लगा क्योंकि ये लव स्टोरी तो है लेकिन इसमें कुछ अलग हटके देखने को मिला। इसका जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि इसमें दिव्यंका त्रिपाठी हमें नजर आएंगी, साथ साथ इसमें राजीव खंडेलवाल भी। दिव्यंका त्रिपाठी के बारे में तो मैं इतना बोलूंगा कि उनको आप लोगों ने इससे पहले ये है मोहब्बत है सीरियल में देखा हो, काफी सीधी साधी गोली वाली एक हाउसवाइफ या एक जैसी टिपिकल बहुए होती जो बहुत ही आदर्श बहुए होती है, बिल्कुल उसी रोल में वो हमें नजर आई थी ये है मोहब्बत है में। लेकिन इस बार हटकर करने वाली है, इस बार वो कुछ अलग हटके कुछ बोल्ड अंदाज में हमें नजर आने वाली इस वेब सीरीज में, और राजीव खंडेलवाल इस वेब सीरीज में। और राजीव खंडेलवाल की बात करें तो राजीव खंडेलवाल को आप लोगों ने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा है, काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं, हालांकि उनका कुछ इतनी खास फिल्में चली नहीं, लेकिन उनकी एक फिल्म थी जो मुझे आज तक याद है और मैं जब भी टीवी पे टेलीविजन पे बहुत कम लगती है लेकिन जब भी लगती है तो मैं जरूर देखता हूँ, उस फिल्म का नाम था आमिर। और उस फिल्म में जिस तरीके से राजीव खंडेलवाल ने आमिर का कैरेक्टर निभाए थे, आप अगर वो फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये बंदे ने उस इंसान की लाइफ जी। बहुत एक्साइटेड हुई ये दोनों की जोड़ी देखने क्योंकि एक फ्रेश केमिस्ट्री देखने को मिली और दोनों ही पॉपुलर नॉन फेस है। तो ये वेब सीरीज कुछ हटकर हो ये तो मैं होप करता हूँ, क्योंकि अल्ड बालाजी वाले जब भी कोई वेब सीरीज बनाते हैं भाई एकदम कचरे का डब्बा थर्ड क्लास बनाते हैं, लेकिन ये वेब सीरीज का ऐसा लग रहा है कि कुछ फाइनली अल्ड बालाजी की तरफ से कुछ अच्छी चीज आ रही है। अब मैं इस वेब सीरीज के बारे में बात करूँ, राजीव खंडेलवाल और दिव्यंका त्रिपाठी ने अपने इंटरव्यू में क्या क्या बोला इस वेब सीरीज को लेकर। तो शुरुआत करते हैं हम राजीव खंडेलवाल से। राजीव खंडेलवाल का कहना था कि उन्होंने इस रोल के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की, यानी कि जो एस्टेब्लिश जो शेफ है उन लोगों से जो चॉपिंग करने का तरीका, जिस तरीके से लोग सजावट करते वो और किस तरीके अंदाज से वो पकाते वो सब कुछ उन लोगों ने सीखे। दिव्यंका त्रिपाठी ने भी उसकी ट्रेनिंग ली एस्टेब्लिश कुक लोगों से जो शेफ है आजकल के। उसके अलावा दिव्यंका त्रिपाठी का ये कहना है कि उसको ये रोल में इतनी खुशी हुई थी ये रोल करने की क्योंकि लोगों ने उसको इस तरीके के बोल्ड और जो किरदार वो निभा रही है इस किरदार में लोगों ने उसको पहले कभी देखा नहीं, तो ये उसके लिए काफी यूनिक था। और वो सोचती है, उसका कहना ये है कि उसके फैंस को काफी अच्छा लगेगा उसको ये रोल में देखने में। तो अभी देखना है कि उन दोनों की बातें कितनी सच होती है और ये वेब सीरीज कितना अलग कुछ देखने को मिलती है। लेकिन टिपिकली ये बता दूं कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी है, लेकिन इसमें उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव जिस तरीके से उनकी लाइफ में आए वो हमें इसमें बताएगा। साथ साथ इसके जो डायरेक्शन किया है वो प्रदीप सरकार ने। प्रदीप सरकार ने तो इससे पहले बॉलीवुड की बहुत सी अच्छी फिल्में बनाई, चाहे वो रानी मुखर्जी के साथ हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन के साथ हो, चाहे वो तापसी पन्नू के साथ हो। तो देखना है कि वो इस वेब सीरीज में क्या कमाल करते हैं। और ये वेब सीरीज अल्ड बालाजी और Z5 का ज्वाइंट वेंचर है मेरे हिसाब से, और ये वेब सीरीज रिलीज होगी 3 सितंबर को। तो पता तो इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करना, और जो साथ ही बेल आइकन उसे प्रेस कर दे। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो के साथ।